लड़का एक फूड डिलीवरी बॉय है। एक दिन उसकी मुलाकात एक दिलचस्प ग्राहक से हुई। ये ग्राहक एक युवा लड़की है जो हर गुरुवार की सुबह खाना ऑर्डर करती है। हालांकि खाना लेते समय उसने हमेशा कार्टून मास्क पहना होता है, पर डिलीवरी बॉय महसूस कर सकता है कि लड़की काफी खुश मिजाज है। लेकिन एक दिन जब वो खाना लेकर पहुंचा, तब काफी देर तक लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। तब लड़का अजीब ढंग से कुछ शब्द चिल्लाया। तब लड़की ने कांपते हुए दरवाजा खोला। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी कार्टून मास्क लगा हुआ है, लेकिन डिलीवरी बॉय ने उसकी आंखों में डर पड़ लिया। जब वो पार्सल उसे दे रहा था, तब लड़की ने उसे कसकर पकड़ लिया। फिर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। लड़के के हाथ पर नाखून के निशान छप चुके थे। फिर वापस लौटते समय रास्ते में डिलीवरी बॉय लड़की के असामान्य व्यवहार के बारे में सोचता रहा। लड़की कोई खतरे में तो नहीं है, ये देखने के लिए उसने वापस वहाँ जाने का फैसला किया। वो काफी देर तक दरवाजा खड़काता रहा, पर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी पड़ोसी ने आकर उसे कहा, क्यों कुंडी ठोक रहे हो, यहाँ 6 माह से कोई नहीं रहता। ये सुनकर लड़के के होश उड़ गए, उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कुछ अजीब ही पता चला कि ये घर कई दिनों से खाली है और इस घर की मालिक सोनिया चैन लगभग 6 महीने पहले एक कार दुर्घटना में मर चुकी है। पर लड़के के पास सिवाय फूड बिल्स के और कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती।